डियर फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू में जो रह गया था डेट एंड टाइम है, जैसे ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, एंड सिंबल से क्या होता है। तो आइए देखते हैं। डेट एंड टाइम बहुत ही आसान है, जस्ट आपका इसमें फॉर्मेट मिल जाएगा, ये आप खुद से यहाँ लिख लीजिए। इसमें जो भी डेट लेना है, सपोज 18 मार्च, इस तरह ओके करेंगे, ये आ जाता है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि हम अगर कोई सॉफ्टवेयर और जानते हैं जो इसमें नहीं बना सकते हैं, और जानते हैं तो उसको हम इसमें काम करके इसको ला सकते हैं। सपोज कि ये बिट मैप लिए, ये पेंट के लिए होता है, जैसे कॉल्डो, अगर आप जानते हैं तो कॉल्डो में कोई डिजाइन बने तो ऑटोमेटिक इसमें आएगा। जैसे मैं इस पर दिखा दे रहा हूँ, बिट मैप लिया, ओके, ये आपका पेंट खुल गया, पेंट इसको बड़ा कर दिया। आप कुछ भी डिजाइन जानते हैं तो आप ले सकते हैं। सपोज कि हम ये पेंसिल लिए, यहाँ से लाइन जैसा मोटा कर लिया लाइन को, आप कुछ भी लिखेंगे। हम जैसे ये लिखा इस तरह कुछ भी लिखेंगे, ऑटोमेटिक बाहर के लिखेंगे वर्ड में आ जाएगा आपका। अब इसको हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, जस्ट बॉक्स आएगा, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं नोट पकड़कर। और मूव होता है तो कहीं भी सेट कर सकते हैं, यानी पेंट हो या ऑब्जेक्ट के जरिए जो आपका यहाँ पे आइएगा, कुछ भी अगर जानते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, तो उसमें काम करके वर्ड में ला सकते हैं। क्या हो गया, स्केप करें। एक्चुअल फोटो सब खुल गया, इसको बंद करते हैं, उसको डिलीट किया हमने। पहला पेज में आए, अब तो बहुत कुछ आप लोग जान गए होंगे। अब ये जस्ट देखिए, अब यहाँ पे कोई सिंबल लगाना चाहते हैं, इससे क्या होता है, ये सिंबल में जाएंगे और मोर सिंबल्स में जाएंगे, यहाँ विंडिंग एंड वेबडिंग में देखेंगे। सपोज की कोई ये निशान लगाना है, ओके करेंगे, सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, आ जाएगा, क्लोज किया। अब ये सिंबल आया है, इसको बड़ा करना है, ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, एडजस्ट फॉन्ट का काम करता है ये, और इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया। देखते हैं और इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लाइन रखा हमने, इंसर्ट मेन्यू में आए, सिंबल में आए, मोर सिंबल्स में गए। एक चीज़ और बहुत अच्छा है, जैसे ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, सपोज कि हम कुछ भी लिख दें, जैसे अपना नाम ही शॉर्ट में लिख दें, जैसे ए के हम जब भी लिखें तो ये क्या हो जाए, यहाँ लिख रखा है हमने अबुल कलाम बन जाए, ओके किया। या मैं दूसरा दिखा दूँ ऑटो करेक्ट में, आई एन जैसे मैं लिखूँ वो बन जाए इंडिया, तो यहाँ इंडिया है, इंडिपेंडेंस लिखा जाए, ये लिखा जाए सपोज, ये ऑलरेडी है, और कुछ नया डालेंगे तो और डाल सकते हैं।
IND लिखा, इंडिकेट हो जाएगा, बहुत सारा आइस है। अब आइस हटा, जेड लिखें, जेड से क्या बन जाए, जेब्रा लिखा जाए, तो हमने लिखा जेब्रा। ये ऐड कर दिया, ऑन ओके किया, क्लोज किया। अब क्या होगा कि जब भी हम टाइप करेंगे जेड, स्पेस बार करें, ये जेब्रा हो गया। तो ये बहुत आसान रहा, डेट एंड टाइम से डेट लेंगे, ऑब्जेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जाकर काम कर सकते हैं, वर्ड में ऑटोमेटिक आया, एंड सिंबल से सिंबल या आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं इसमें जाने के बाद। आज का कोई ख़ास नहीं रहा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि आप जैसे सिंबल में ये इसका है ऑटो करेक्ट, बहुत ही ऐसे कोई चीज़ बार बार लिखना है, आप एक करेक्टर से बना लीजिए, वो फौरन लिखा जाएगा आपके जो भी फाइल में पेज है उसमें लिखा जाएगा। ओके देन, आज का हमारा लेसन इंसर्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम में पेज लेआउट की बात करेंगे। थैंक यू।